is Radhika Gaur with the session number 11 of your chapter sound, and in this session we are here going to discuss about the question answers of our in-text exercise. तो ऑब्वियसली हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है, साउंड के बारे में हमने एवरीथिंग डिस्कस कर लिया है, बट अभी हमारा 11th सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इनटेक्स क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीचेस योर ईयर. कोई भी साउंड जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है वो आपके कान तक, आपके ईयर तक कैसे पहुंचता है. एक्चुअली साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, एज वी ऑल नो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट इन वाइब्रेशन. ये क्या करता है, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेशन में सेट कर देता है. क्लियर, दैट इज कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो उन्हें भी वाइब्रेशन में सेट कर देगा, दैट इज उन पार्टिकल्स का भी वाइब्रेशन होगा. वो पार्टिकल्स जब वाइब्रेट होंगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा, फिर वो सेकंड वाला जो पार्टिकल है वो थर्ड पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा, थर्ड पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा. ऐसे डिस्प्लेस करते करते जो वाइब्रेशन पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, उनकी वजह से जो साउंड है वो हमारे ईयर्स तक पहुंच जाती है. क्लियर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ इज साउंड प्रोड्यूस बाय योर स्कूल बेल. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपकी स्कूल बेल के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. द बेल प्रोड्यूसेस अ साउंड व्हेन गैंग ऑफ बेल इज स्ट्रक बाय द हैमर. कोई भी बेल साउंड प्रोड्यूस कब करती है, कोई भी बेल साउंड प्रोड्यूस तब करती है जब जो गैंग है बेल का उसे हैमर के थ्रू स्ट्रक किया जाए. व्हेन द गोंग इज स्ट्रक बाय हैमर इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग. जैसे ही हम गोंग को हैमर से स्ट्रक करेंगे तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा. सिंस द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोडक्शन करते हैं, सो द वेल प्रोड्यूसेस साउंड. इसीलिए जो वेल है वो भी साउंड प्रोड्यूस करेगी. इज दैट क्लियर टू यू. सिंपल सी चीज है दैट वेल प्रोड्यूसेस द साउंड व्हेन गोंग ऑफ वेल इज स्ट्रक बाय द हैमर. And when the gong is struck by the hammer, it starts vibrating. And since vibrating object produces sound, so the bell produces sound. Clear? Your next question is, why are sound waves called as mechanical waves? जो sound waves होती हैं, उनको हम mechanical waves क्यों कहते हैं? Actually, sound waves are called mechanical waves because they are produced by the motion of particles of a medium and require material medium for their propagation. जो साउंड वेव्स हैं उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उन पार्टिकल्स के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं. जो पार्टिकल्स ऑब्वियसली क्या करते हैं, जैसे मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स भी पार्टिकल्स के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और साथ में वो प्रोडक्शन जो होता है, उनका प्रोपगेशन जो होता है, वो किसी मटेरियल मीडियम में ही होता है. सेम जो साउंड वेव्स हैं वो भी पार्टिकल्स के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और दे ऑल्सो रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. देयरवाय साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून. सपोज करो आपका फ्रेंड और आप दोनों मून पे हो. विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड. क्या आप वो साउंड सुन पाएंगे जो आपका फ्रेंड प्रोड्यूस कर रहा है? नो, यू कैन नॉट हियर दिस साउंड बिकॉज There is no atmosphere on the moon. Moon पे कोई भी atmosphere available नहीं है. जबकि क्या होता है, sound को travel करने के लिए कोई ना कोई medium की requirement होती है ना. जैसे हमारे earth पे हम sound को सुन सकते हैं, उसका reason क्या है, क्योंकि earth पे air present है. Air particles के through sound travel करती है और दूसरे person के ear तक पहुंच जाती है. But यदि वहाँ पे atmosphere ही present नहीं है तो हम sound को कैसे सुन सकते हैं? So no, that sound cannot be here because there is no atmosphere on the moon. Your next question is, what are wavelength, frequency, time period and amplitude of a sound wave? किसी भी sound wave की wavelength, frequency, time period and amplitude क्या है? Actually, the distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called wavelength. वो distance जो दो consecutive compressions के बीच में होती है या टू कॉन्सिक्यूटिव रेरेफेक्शन के बीच में होती है, उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं. क्लियर. यदि दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में या दो कॉन्सिक्यूटिव रेरेफेक्शन के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ. क्लियर. वेवलेंथ समझ में आया आपको क्या होता है. सेकेंड है हमारी फ्रीक्वेंसी.
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। कितने नंबर कंप्लीट वेव्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 सेकंड में, वो होती है वेव की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? दैट द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इज दैट क्लियर टू यू? इसके बाद आता है हमारा टाइम पीरियड। क्लियर? द टाइम टेकन बाय कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरेफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वो टाइम जो जो कॉन्सिक्यूटिव रेरिफेक्शन एंड कंप्रेशन, एक कंप्रेशन हुआ एक रेरिफेक्शन हुआ, उन्होंने जितना टाइम लिया एक किसी भी फिक्स पॉइंट को क्रॉस करने में, दैट विल बी इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। क्लियर? दैट द टाइम टेकन बाय कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब बात आती है हमारी एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। दैट इज जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीडियम के पार्टिकल्स का फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन, उनकी ओरिजिनल मीन पोजीशन से ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम। जो मीडियम से जब वेव कोई पास करती है तब जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है उनकी ओरिजिनल मीन पोजीशन से, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव का। क्लियर? दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है साउंड वेव के, वो स्पीड से कैसे रिलेटेड है? सी, वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है न्यू, एंड स्पीड इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। क्लियर? तो कैसे रिलेटेड है तीनों चीज? वेलोसिटी दैट इज सॉरी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। क्लियर? वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 200 hertz and speed is 440 meter per second in a given medium. आपको एक साउंड वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 200 hertz, स्पीड गिवन है 440 मीटर पर सेकंड किसी भी मीडियम में। क्लियर? अब देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 200 hertz, that is a new is equals to 200 hertz, v is equals to 440 meter per second. According to the relation v is equals to new lambda होता है। क्लियर? तो lambda is equals to v upon new हो जाएगा। v हमें given है 440, new हमें given है 200, तो lambda is equals to 2.2 meter। क्लियर? सो द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव विल बी 2.2 meter। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टर्न ऑफ 500 hertz सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। एक पर्सन है जो किसी ट्यून को सुन रहा है, किसी टोन को सुन रहा है जो कि 500 हर्ट्ज की है, वो जो साउंड की सोर्स है उससे 450 मीटर दूर बैठा हुआ है। क्लियर? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। जो टाइम इंटरवल होगा सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच में वो कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? हियर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सिंपल बात है, जो दो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो वेव के टाइम इंटरवल के बराबर होता है। क्लियर? रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड। क्लियर? दैट इज इट विल बी इज इक्वल टू 1/frequency, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 500 हर्ट्ज गिवन है, तो टाइम पीरियड विल बी इज इक्वल टू 1/500, that will be is equals to 0.002 second 0.00 second। clear? so that will be is equals to 2 into 10 की पावर माइनस 3 second, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 millisecond। clear? तो समझ में आया कि जो टाइम इंटरवल है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली हमें वेव का टाइम इंटरवल निकालना है। वेव का टाइम इंटरवल उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग निकल जाता है, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/frequency। जब हमारे पास वेव का टाइम इंटरवल आ गया तो वो उसी टाइम इंटरवल के इक्वल होगा जो दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच में हो रहा है। क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच शुड हैज अ ग्रेटर पिच, गिटार और अ कार हॉर्न। गिटार और कार हॉर्न में से किसकी ग्रेटर पिच होगी, हायर पिच होगी? एक्चुअली द पिच ऑफ गिटार शुड बी हायर,
जो गिटार है उसकी जो जो गिटार साउंड है उसकी जो पिच है वो हायर होगी, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाई गिटार इज हायर देन दैट ऑफ अ कार हॉर्न, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी गिटार प्रोड्यूस करेगी वो कार हॉर्न की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, दैट इज वाई पिच ऑफ गिटार साउंड इज हायर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच. वेव की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लाउडनेस और पिच को डिटरमाइन करती हैं? एक्चुअली लाउडनेस ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड. जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेव की लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, व्हाइल द पिच ऑफ द वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी. जो वेव है उसकी जो पिच है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिटरमाइन होती है. तो क्लियर, लाउडनेस को डिटरमाइन कौन करेगा? एम्पलीट्यूड करेगा. और वेव को डिटरमाइन कौन करेगा? पिच की, आई मीन जैसे वेव की पिच को डिटरमाइन कौन करेगा? फ्रीक्वेंसी करेगी. इज दैट क्लियर टू यू? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच द थ्री मीडिया एयर वाटर और आयरन डस साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. साउंड कौन से मीडियम में फास्टेस्ट वे में ट्रेवल करेगी? तो ऑब्वियसली साउंड विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन द आयरन. आयरन में साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी बिकॉज साउंड जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है. आयरन यहाँ पे सॉलिड है, दैट इज वाई साउंड विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन द आयरन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do auditoriums have curved roofs, curtains, carpets and false ceiling? जो auditoriums हैं उनमें roofs, curtains, carpets और false ceiling क्यों होती हैं? Actually, the roofs of auditorium should be curved so that sound after reflection reaches every part of the auditorium. सबसे पहले क्या होता है? जो auditorium के roofs होते हैं उनको हम curved बनाते हैं ताकि जो sound है वो हर एक corner में पहुंच पाए. And there must be sound absorbent material like carpet, curtains, false ceiling to minimize echo production. और जो echo production है उसको minimize करने के लिए ही हम जो curtains हैं, carpets हैं और false ceilings हैं उनका use करते हैं. Clear? So that was the answer of this question. Your next question is an echo was heard after 3 seconds. कोई echo है जो 3 seconds के बाद सुनाई दी. What is the distance of the reflecting surface from the source? तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी डिस्टेंस क्या होगी सोर्स से? हियर क्लियर है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 342 मीटर पर सेकंड. क्लियर, टाइम हमें गिवन है 3 सेकंड. टाइम ट्रेवल्ड बाय साउंड विल बी इज इक्वल टू v इनटू t. v हमारे पास गिवन है 342, टाइम गिवन है 3, दैट विल बी इज इक्वल टू 1026 मीटर. हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी? 1026/2, दैट विल बी इक्वल टू 513 मीटर. इज दैट क्लियर? दैट 513 मीटर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स कर्व्ड. जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं उनकी जो सीलिंग्स होती हैं उन्हें कर्व्ड क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली The curved ceiling of cinema hall focuses reflection of sound from the walls to audience so that the every corner of the hall gets sound equivalently. कोई भी concert hall है या cinema hall है उसके जो ceiling halls ceiling है उनको curved इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां पे multiple reflection हो. ताकि multiple reflection होगा तो क्या होगा? जो sound है वो equally हर एक corner में पहुंचेगी. Clear? That is why the ceilings of cinema hall or concert hall are made curved. Clear? Next question is, what is the audible range of human ear? Human ear ki audible range kya hoti hai? So the audible range of the average human ear is 20 to 20,000 hertz. So human beings hain, unki jo audible range hoti hai, wo around 20 to 20,000 hertz ke barabar hoti hai. Your next question is, what is the range of frequencies associated with infrasound and ultrasound? Actually, sound wave having frequency less than 20 hertz and greater than 0 are called infrasound. वो sound waves जिनकी frequency 20 hertz से कम होती हैं और 0 से ज़्यादा होते हैं वो infrasound होती हैं. जबकि sound having frequencies more than 20,000 hertz are called ultrasound. वो sound जिनकी frequencies 20,000 से ज़्यादा होती हैं उन्हें हम ultrasounds बोलते हैं. Clear? Your next question is, a submarine emits a sonar pulse. एक submarine है जो sonar pulse emit करती है, which returns from the underwater cliff in 3.425 seconds. जो underwater cliff से around 3.425 seconds में वापस आ जाती है. If the speed of sound in sea water is 1531 meter per second,
यदि स्पीड है वो कितनी है 1531 मीटर पर सेकंड है, देन हाउ अबे द क्लिफ इज, हमें ये फाइंड आउट करना है जो क्लिफ है वो कितना दूर है। यहाँ पे हमें टाइम गिवन है 3.425 सेकंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सो डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप विल बी इज इक्वल टू डी अपॉन टू, राइट। डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी गिवन है 4243.6 अपॉन 2 निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे स्पीड और टाइम की मल्टीप्लीकेशन से। डिस्टेंस आ गई हमारी इतनी, तो इसको हम ऐसे सॉल्व आउट कर देंगे तो इजीली वी कैन फाइंड आउट दैट 4243.68 विल बी द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप। इज दैट क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, अबाउट द इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स ऑफ साउंड। In next session, we are going to discuss the exercise question answers. Till then, good luck.